रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने किया दमोह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के लिए दिशा निर्देश। ट्रैक्टर ने मारी बाइक में टक्कर, तीन घायल। सिविल बार 10 के लोगों को नहीं मिल रहा है पानी, पानी की टंकी पर किया प्रदर्शन। दमोह के साइलो केंद्र की बाउंड्री में लगी आग। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे बोर्ड के सदस्य अभिलाष पांडे की, जो कि आज अपने अन्य सदस्यों के साथ दमोह पहुंचे। उनके द्वारा लगातार रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया जा रहा है, व्यवस्थाओं में किस तरह से सुधार की आवश्यकता है इस पर विशेष बल दिया जा रहा है। अभिलाष पांडे आज दमोह पहुंचे। दमोह रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी एवं अन्य सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तमाम सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके बाद रेलवे बोर्ड के सदस्य अभिलाष पांडे के द्वारा संपूर्ण परिसर का निरीक्षण भी किया, अधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। बाद में मीडिया से बातचीत की। आज दमोह रेलवे स्टेशन का हमारे पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी के लोगों ने दौरा किया है और इस दमोह स्टेशन में यात्री सुविधाओं से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यात्रियों को मिलनी चाहिए, चाहे स्वच्छता का विषय हो, ठंडे पानी की बात हो, पंखे हो, लाइट हो, साथ ही सुरक्षा जो विषय है कि हमने उनसे कहा है, आरपीएफ को भी कहा है कि गेट के सामने एक क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ऐसा पूरा होर्डिंग बैनर लगाकर वहाँ पर हमारे सुरक्षाकर्मी बैठे ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही इस प्लेटफॉर्म के अंदर कैसे आगे प्लेटफॉर्म में और कैसे हमारा शेड बन सकता है और क्या सुविधाएं हो सकती हैं, इन सारे विषयों का हमने निरीक्षण भी किया है और अधिकारी, उच्च अधिकारी हमारे साथ थे, उन सब लोगों को वो सारी चीज़ें नोट भी कराई हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही ये काम होगा और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी उनको दिया है, क्योंकि यदि हम मोदी जी के दौर में काम करने वाले लोग हैं, मोदी जी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, समय सीमा पे काम को पूर्ण करना चाहिए। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर ये सारी बातें जो ध्यान में आई हैं ये उच्च अधिकारी को बताई गई हैं। मुझे लगता है जल्द ही इन सारे विषयों का पटाक्षेप करते हुए और सारे विषयों की सुविधाएं यात्रियों को मिले, ये हमारा संकल्प भी है और हमारा ध्येय भी है। कौन कौन आए उच्च अधिकारी इसमें? हमारे साथ DCM हैं, इलेक्ट्रिक के अधिकारी हैं, कमर्शियल अधिकारी हैं, सारे अधिकारी जो हमारे साथ लगातार पिछले 6 दिनों से चल रहे हैं। 12 तारीख से 16 तारीख तक पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी का जो दौरा है वो चल रहा है। हमने रानी कमलापति से, भोपाल से, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, आज दमोह, सागर जा रहे हैं। इस अवसर पर रेलवे के जहां वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखने लायक होगा रेलवे बोर्ड के सदस्य अभिलाष पांडे के इस शासकीय निरीक्षण के बाद कितनी व्यवस्थाओं में सुधार होता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह के साइलो बरबटी केंद्र में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। जब मौके पर जाकर देखा तो बताया जाता है कि बाउंड्री के समीप जो चारा लगा है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसमें आग लगा दी गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे जिनके द्वारा इस आग को बुझाया गया। हाँ दादा, इस तैयार ही टायर में दबी है। और कैच लो, प्रेशर प्रेशर तो मैं आगे बगी थी इस तरफ साइड से, धुआं हवा चलने के कारण से मैं पूरे में हवा आ गई, वो आगे पकड़ गई। तो कितनी देर तक आगे लगी थी? कम से कम घंटा डेढ़ घंटा लगी गई। हर वर्ड कब पहुँची आप? आधा घंटा हम लोग पूरे सारे जन आए और आग बुझाने का पूरा प्रयास किया और जो उनमें सफलता हुई। थैंक यू।
आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। दमोह नगर पालिका के सिविल वार्ड नंबर 10 में पानी न आने के चलते वार्ड वासियों के द्वारा टंकी पर जाकर प्रदर्शन किया गया। इनका स्पष्ट आरोप है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते इनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पूर्व में भी अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन यहां पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज इनके द्वारा अन्य वार्डों की जल सप्लाई को भी रोक दिया गया। इनका कहना है या तो इनके घरों तक पानी जाएगा, अन्यथा पानी की सप्लाई नहीं होगी। क्या हो रही है? सिविल वार्ड 10 नंबर से आए हैं और वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, और आधे लोग आधे मोहल्ला में पानी जा रहा हो और आधे मोहल्ला में पानी बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। सूखे नल डाले इसलिए हम लोग आए हैं, और आज पानी जाएगा तो सबरी में जाएगा, ना तो टंकी नहीं खुलेगा। इसलिए हम आए हैं। कब से ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा हो कम से कम एक महीना होगा। आपके यहाँ पानी नहीं जाता? दूसरे तब चला जाता है? दूसरे तब पानी जा रहा है? दूसरे आगे वालों के घर में चलो जाता, थोड़ी पीछे हम लोग के वहाँ पानी नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। सारे बच्चे हम लोग के नाम है फिर रहे हैं, फिर भी पानी नहीं मिल रहा। फिल्टर से पानी ला रहे हैं पीने के लिए, नल खुले हैं तो सबके नालों में आए, नहीं तो फिर सबको बंद कर एक महीना के लाने। काफी संख्या में दमनगर के किला इलाके स्थित पानी की टंकी पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि नगर पालिका के द्वारा जानबूझकर इस तरह की स्थिति उत्पन्न की जा रही, क्योंकि यहां पर SC ST वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं। क्या आपके द्वारा किया गया? लाइन हम लोगों के द्वारा पर्याप्त डलवाई गई है नगर पालिका द्वारा, लेकिन उधर पे प्रेशर नहीं जा रहा है, और कई बार अधिकारियों को सूचित भी किया है, CMO साहब को भी बोला है, और जो नगर पालिका में इंजीनियर है जल विभाग के उनको भी सूचित किया गया है, तो उन्होंने अभी तक पानी का प्रेशर नहीं दिया। और ऐसा समझ में आ रहा है कि हमारे वार्ड में ST SC वर्ग ज़्यादा है, अहरवाल समाज ज़्यादा है, तो इनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, जानबूझ के पानी नहीं दिया जा रहा है, ये है मेन कारण। आप क्या करेंगे? अब साहब को हमने फोन किया है, सोनी जी को, और CMO साहब को एक बार फिर से फोन लगा रहे हैं। क्षेत्र में कारण का है? कारण ये है, जो लाइन कंपनी वालों ने डाली है, जो जहां लाइन चाने अपन 6 इंची वहां डाली है 2 इंची, तो गर्मी का टाइम है बच्चा, घर घर मोटर लग जाती है, तो इसलिए पानी आगे बढ़ ही नहीं रहा। वैसे नहीं शुरू से नहीं बढ़ा, करीब 6 महीना पहले भी ले गए थे अपन ने, कंपनी वालों ने चेक कराओ, हमारे CMO साहब, हमारे सोनी जी ने, सबने चेक करो, हमारे यहाँ के लाइन हर्षद जी हैं विवेक, इनको भी ले जा चुके, इनको भी दिखा चुके हैं, दस बार निरीक्षण हुआ साहब, कुछ कोई सुधार। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक जल संकट खत्म होता है। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज, दबाव। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दमोह के द्वारा दमोह जिला अस्पताल में रक्तदान किया गया, परोपकार का कार्य किया गया। लगातार रक्तदान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपनी सहभागिता निभा रहा है, अधिक से अधिक लोगों को रक्त उपलब्ध करा रहा है। जब भी किसी को आवश्यकता होती है इसी तरह से रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। जयंती के उपलक्ष्य में जैसे ही एक कन्या को रक्त की आवश्यकता पड़ी, हटा से हमारे बजरंगी भाई ने आकर दमोह जिला अस्पताल में रक्तदान किया। यह रक्तदान आपका एक बहुत ही प्रेरणादायक होगा, जो कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती एवं महावीर जयंती है, जिसमें हम सभी के बीच एक सौभाग्य की बात और है कि हमारे प्रांत मंत्री श्री ललित पारधी जी भी हम सभी के साथ उपस्थित हैं। यह सौभाग्य की बात है हम सभी को, और एक मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे लोग रक्तदान के लिए बहुत डरते हैं, तो आपसे कहना चाहूँगा कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी जैसी चीज़ नहीं आती है, आप सभी रक्तदान करें, अपने को एवं दूसरे के रक्त की पूर्ति करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन दमोह की मामस्ती के तलैया पर किया गया, जहां पर दमोह एवं बाहर से आए कवियों के द्वारा काव्य पाठ किया गया। हास्य कवि सम्मेलन था जिसमें लगातार ठहाका गूंजते रहे। मैंने विचार किया और पत्र लिखा, राधा कृपया आप महलों में पधारें। दूसरे दिन राधा महल के द्वार तक पहुंची अगवानी करने के लिए, सातों पटरों ने भी द्वार तक पहुंची, कहा राधा आप हमारी अतिथि हैं, हम आपके चरण पसारते हैं। सातों पटरानियों ने
गरम गरम उबलता हुआ पानी राधा जी के पांव पर डाला। राधा जी ने और पांव दबाते दबाते जब रुक्मिणी के हाथ भगवान कृष्ण के पांव तक पहुंचते हैं तो वो देखती कि भगवान कृष्ण के पांव में बबूले हैं। मैं चाहूंगा कि यह कर्म सम्मेलन एक यादगार कर्म सम्मेलन होगा। अभी कोरोना जब की बीमारी चली तो 2 साल शायद अपन इसको नहीं कर सकते, लेकिन इसकी पूर्ति आज हो और हम सब मिलकर बढ़िया आनंद लगे। और अभी तो देखना आप पीछे भी आपकी समाज का एक बड़ा भारी जलसा सजा हुआ है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। वह सब भी अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद रही है, आपने बुलाया है, याद किया है, उसके लिए धन्यवाद। इसी प्रकार का स्कूल बनाए थे और आपसे विदा लेते हुए मैं समझ रहा हूँ कि आपका वक्त कवियों को सुन रहे चाह रहे हैं। उनके मुख से निकली हुई वाणी हमारे गुरुओं की एकता का सूत्र में बांधेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महावीर स्वामी की और जय तुम्हें की बड़े बाबा। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट जबलपुरना का एवं युवक क्रांति संगठन दमोह के द्वारा इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रात लगभग 10 बजे इसका शुभारंभ हुआ जो देर रात तक चलता रहा। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। पथरिया थाना अंतर्गत जोरतला के समीप ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। FRB 12 के द्वारा तत्काल ही घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहाँ उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि छिड़का मैकेनिक का एक परिवार बाइक से जा रहा था तभी ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए टक्कर मार दी जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। क्या पूरा मामला है आइए जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? शेर के बकेंगे। ये कौन है आपके पापा? क्या नाम है इनका? गुड्डू। और वो कौन है? मम्मी है वो। क्या नाम है इनका? लच्छू। कहाँ से कहाँ जा रही थी, क्या हुआ है? वो छिड़का से दमू जा रही थी। क्या हुआ? तब ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी रास्ते में। कहाँ की घटना है? जोरतला ट्रक। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर विशेष आराधना कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सभी मसीह समाज के लोगों की उपस्थिति यहां पर देखी गई। और बाई ओर डाकू जो कुकर्मी है
ठीक वैसे जैसे कि यशया भविष्यवक्ता ने 700 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की कि वह पापियों के साथ गिना जाएगा। हर कोई यीशु से एक ही बात कहकर उसकी निंदा करता है कि तू अपने आप को बचा ले। उसने उससे कहा, मैं तो उससे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। भटियागढ़ में इस समय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया गया। भटियागढ़ से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। भटियागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल माधव नगर का आज लोकार्पण किया गया। सांसद निधि 2019-20 के अंतर्गत लगभग 7 लाख रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचंद्र पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल भटियागढ़ में पधारे सभी अतिरिक्त लोकार्पण सभी उनके स्वागत हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाए। कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि एवं नगर के गणमान्य महानुभाव, आप सभी का अपना हार्दिक वंदन अभिनंदन। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं अधिकारी कर्मचारी, स्कूल के शिक्षक शिक्षिका एवं ग्रामीण मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज, पटियागढ़। दमोह के पुराने पुलिस कंट्रोल रूम के समीप संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। हम गौशाला जाएंगे और वही गौशाला में गर्गाचार्य जी हमारे बालकों के नामकरण संस्कार करेंगे।
भैया ने कहा गौशाला में? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले ये दरगाह जा रही थी, क्या क्या है? भैया ने कहा सुनिए जी, लाला कहूं पे हम फूल लेके आएगा। अरे जब मेरे लाला का नाम रखा जाएगा तो पूरे गोकुल में छूल से नाचा दिलवाऊंगी, तब मेरे लाला का नामकरण संस्कार होगा, बड़े उत्सव मनाए जाएंगे। नंद बाबा ने सोचा देखो यशोदा, हमने लाला का जन्मोत्सव मनाया है कि कृष्णा जी आ गए, फिर सबका सुर आ गया, इसलिए अब कोई उत्सव नहीं मनाना। जब दो चार बातें नंद बाबा ने कही, यशोदा ने कहा सुनिए जी, हम तो पड़ोसी को भी ना बुलाए, बस हमारा लाला प्रसन्न रहे। पर मैया ने मन में विचार किया, ये कैसा बाबा है जो गौशाला में नामकरण संस्कार करेगा। मैया ने रोहिणी जी से कहा, रोहिणी जी इस बाबा की परीक्षा लेनी पड़ेगी। क्यों? ये परीक्षा लेके देखेंगे, अगर असली बाबा है तो ही हम अपने बालकों के नामकरण संस्कार से करवाएंगे, कहीं कोई बैर किया आ गया हो तो गर्गाचार्य जी का नाम लेकर के। रोहिणी जी ने कहा फिर क्या किया जाए? बोले एक काम करते हैं रोहिणी, देखो मैं गोरी और तुम्हारा लाला भी थोड़ा गोरा, तो तुम्हारे लाला को मैं अपनी गोद में ले लूंगी और तुम थोड़ी सांवली और मेरा लाला भी थोड़ा सांवला, तो तुम मेरे लाला को अपनी गोद में ले लेना, हम लाला की अदला बदली करके जाएंगी। और अगर बाबा ने देख करके बता दिया कि कौन किसका पुत्र है तो लाला बाबा सच्चा है, पर अगर नहीं बता पाया जैसे बहरूपी से थोड़ी नाम रखवाएंगे। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। कुमारी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। युवाओं के द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, यहां पर दीप प्रज्वलन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हटा विधायक पीएल तंतुबाय सहित काफी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद थे। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सभी ने छुआछूत मुक्त समाज की कल्पना की, भेदभाव भूलकर सभी एकता के सूत्र में बंधे इस प्रकार की कामना की। काफी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद थे। सम्माननीय अतिथि का दीप प्रज्वलन करके पुष्पांजलि करके इसके बाद कार्यक्रम में आज को समझे और सारे लोगों को समझे मैं आगे कहता हूँ, जय भारत, जय डॉक्टर अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। कुम्हारी से अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। तभाव कुम्हारी में भगवान महावीर स्वामी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जैन विद्यापीठ मंदिर में भगवान महावीर जी का प्रकट उत्सव मनाया गया। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को विमान में विराजमान करने के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे डीजे के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें स्थानीय भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भक्तों में खासा उत्साह देखते बना। कुम्हारी से सहयोगी अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। तभाव नोएडा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। काफी तादाद में स्थानीय लोग शामिल थे। एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। गाजे बाजे के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई
जिसमें युवाओं की विशेष उपस्थिति देखी गई। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं पथरिया के, जहां की लखरौनी में संगीत मशीमत भागवत कथा चल रही है। चौथे दिवस भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा का आयोजन हुआ, जिसमें कथावाचक के द्वारा बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान के जन्म उत्सव की कथा भक्तों को सुनाई गई। कथावाचक पंडित श्री राम मनोहर पांडे जी के द्वारा यहाँ पर कथा सुनाई जा रही है। कथा श्रोता संतोष चौरसिया, श्रीमती गीता चौरसिया के द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया है। किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर भक्त जमकर झूमे, आइए हम आपको दिखाते हैं। थरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ तमाम।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने किया दमोह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के लिए दिशा निर्देश। ट्रैक्टर ने मारी बाइक में टक्कर, तीन घायल। सिविल वार 10 के लोगों को नहीं मिल रहा है पानी, पानी की टंकी पर किया प्रदर्शन। दमोह के साइलो केंद्र की बाउंड्री में लगी आग। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।